नमस्कार, मेरा नाम है जबना चौहान और मैं हूं देश की सबसे कम उम्र की सरपंच। किसी भी देश की समृद्धि के लिए उस देश के हर नागरिक का सशक्त होना बहुत जरूरी है। देश का हर नागरिक सशक्त होगा तो ही देश समृद्ध व खुशहाल होगा। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जिसके लिए काम भी हो रहा है। सरकारी तंत्र महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे कर रहा है, महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की बातें हो रही है, मगर अभी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए जो प्रयास हुए हैं उनकी वजह से आज महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त हुई है। महिलाओं ने हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर यह प्रमाणित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। बावजूद इसके पुरुष प्रधान समाज द्वारा महिलाओं पर जो सामाजिक पाबंदियां लगाई गई है उससे आज भी महिलाएं सक्षम होने के बावजूद उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रही है। मगर जो संसद और विधान पालिका कानून बनाती है पूरे देश में महिलाओं की तादाद वहां नामात्र की है। ऐसा इसलिए नहीं कि महिलाएं सक्षम नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आज भी महिलाओं पर पाबंदी लगाकर उन्हें उस मुकाम पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिसके लिए महिलाएं सक्षम हैं। कोई देश तभी तरक्की कर सकता है जब पुरुष व महिलाओं पर समानता का अधिकार होगा। महिलाओं को संसद और विधानसभा के लिए 50% आरक्षण बहुत जरूरी है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं को जब समानता का अधिकार मिलेगा तभी सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा और यह देश विश्व के सामने फिर से विश्व गुरु बनकर उभरेगा। आज इस बात को लेकर गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है और उन लोगों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं। धन्यवाद।